अल्ले नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे कौन पले को मंदे कौन पले को मंदे खेत जो मांदे पिछले 12 वर्यां विच पंजाब विच बड़ा लव डुलिया है। हजारां औरतां दे सुहाग उजड़े ते हजारां मावां दे नौजवान पुत्तर इस लव दी नदी विच गर्क हो गए हन। जो तहरीक कुछ सियासी आर्थिक अते धार्मिक मंगां नूं लैके शुरू होई सी उस नूं देश दी चंदरी राजनीति ने एक भयानक ते दुखदाई मोड़ दे दिता है। दरबार साहब उपर होए ब्लू स्टार ऑपरेशन तो पहला ते उस पिछों वापरियां घटनावां ने पंजाब ते पंजाब तो बाहर वसदे सिखां दी मानसिकता नूं बुरी तरह नाल लहू लुहान कीता है। पंजाब दा पोटा पोटा लहू दियां छिट्टां नाल रंगिया पिया है। लोकां दे चेहरियां ते मायूसी है, दिल विच कसक ते अथाह पीड़ा दा होका है। इस बेबसी पिछे एक बड़ा वड्डा प्रश्न चिन्ह है, ओ सुपागी कड़ी कदों आवेगी जदों लहू सिमदे पंजाब विच मुड़ अमन कायम होवेगा। सिख इस देश दा अनिखड़वा अंग हन। उन्होंने इस देश की आजादी लई बाकी हर जात ते प्रांत दे लोकां तों किते वध कुर्बानी कीती है। अगर ऐसी अपने देश की हिस्ट्री दे उत्ते नज़र पाईए तो सानू पता लगेगा कि साड़ी जिहड़ी आजादी की जंग सी उस दे विच किसी ने सब तो ज़्यादा नमाया हिस्सा लीता तो साडे सिख भरावां ने लीता। गदर पार्टी सरदार अजीत सिंह, गुरदीत सिंह जी कामागाटा मारू वाले, फिर भगत सिंह, ऊधम सिंह, उन्होंने अपनी शहादतां दित्तियां। 1947 जदों मजहब के नाते
पाकिस्तान की सिरजना की जा रही थी तो सिखा के नेता मास्टर तारा सिंह ने सिखा लई कोई वखरा राष्ट्र मंगण की बजाय अपनी किस्मत नू भारत नाल जोड़ लिया सी। दिल्ली दे गुरुद्वारा सीसगंज साहब विच संगतां नू संबोधित करदिआं महात्मा गांधी ने कहा सी, आजाद भारत विच ऐसी कोई गल नहीं कीती जाएगी जो सिखा नू परवान ना होवे। जदों एक पत्रकार बेदी मधुसूदन ने पुछिआ सी कि जे कांग्रेस सिखा नाल कीते वादे तो मुकर गई तो फिर सिख की करनगे, वह कहिंदे जे मुकर जाण फिर तुहानू तलवार चुकण दा हक होएगा। देश दी वंड तो पहला कांग्रेस दे एक इजलास विच बोलदिआं पंडित नेहरू ने कहा सी, उत्तरी भारत विच सिखां लई एक अजिही थां राखवी होवेगी जिथे उन्हां दा धर्म ते संस्कृति प्रफुल्लित हो सकणगे ते जिथे वह आजादी दी लो माण सकणगे। 1947 विच देश आजाद होया। पश्चिमी पंजाब दी बहुत सारी सिख ते हिंदू वसों उजड़ के पूर्वी पंजाब ते आजाद भारत दे होर हिस्सियां विच आ गई, जिथे इस घल्लूकारे विच लखां लोकां दीआं जानां गईआं, अरबां ते खरबां रुपए दी जमीन ते जायदाद पाकिस्तान रह गई। उत्थे सिखां नूं ननकाणा साहिब, पंजा साहिब ते होर सैकड़े गुरधामां तों वी महरूम होना पै गया, जिहड़े देश दी वंड समय पाकिस्तान रह गए सन। सिखां ते हिंदुआं ने इस नुकसान नूं बड़े वड्डे जिगरे नाल चलिया ते आजाद भारत विच आउंदिआं ही देश दे निर्माण विच लग पए। उन्हां कुछ ही सालां विच न सिर्फ अपने आप नूं आर्थिक तौर ते मजबूत कर लिया सगों पंजाब नूं समूचे देश दा अन्न भंडार बना दिता। पंजाबी अखाण है, कोठा उसरिया तरखाण विसरिया। देश आजाद होया, समा बीतण नाल देश दी वंड समय लगे जख्म मिलने शुरू हो गए। देश दे नेतावां ने सिखां नाल कीते इकरारां नूं छिके टंग दिता। पंजाब दी प्रमुख सियासी पार्टी अकाली दल वलों उठाई गई हर मंग नूं फिरकू रंग दे के सिख मंग कह के नज़रअंदाज करना शुरू कर दिता। प्रांत दी हिंदू जनता ने भी पंजाब दीयां सांझीयां समस्यावां विच पंजाब दे अकालियां दा साथ देण दी बजाए केंद्र दी कांग्रेस सरकार वल तकना शुरू कर दिता। पंजाब दे हिंदुआं ते सिखां विच सदियां पुरानी जो भाषाई साहित्यक ते सभ्याचारक सांझ तुरी आ रही सी उस विच पहली तरेड़ उदों आई जदों 1951 विच होई मरदमशुमारी दे समय पंजाब दे हिंदुआं ने अपनी मां बोली पंजाबी दी बजाए हिंदी नूं अपनी मां बोली लिखाया। और सब तो वड्डा इस गल दा दुख होया कि पंजाब च रहण वाले कुछ साडे भरा जिहड़े पंजाबी बोली बोलदे सी उन्होंने कहा नहीं साडी पंजाबी बोली नहीं है। जे अज मैं कहां कि असली सैपरेटिस्ट ओह लोक हन जिन्हें ने पंजाबी नूं अपनी बोली नहीं मन्निया पंजाब दे विच, ओह मैं कोई गलत गल नहीं कह रहा। दे आर द रियल सैपरेटिस्ट, जिस दे सिट्टे वजों आउण वाले समय विच अनेक दुखदाई घटनावां दा क्रम शुरू होया। इस दा सिखर जून 1984 विच होया, दरबार साहब उपर हमला, इंदिरा गांधी दा कतल ते नवंबर 1984 विच सारे देश च होए सिख विरोधी दंगे सन। बेशक दरबार साहब उपर फौजी कार्रवाई दा कम 3 जून नू ही शुरू हो गया सी, पर असल हमला 5 जून 1984 नू होया। पंजाब विच पिछले 225 वरियां विच एहो जेही दुखदाई ते शर्मनाक घटना पहला कदे नहीं सी वापरी। हम आपको स्वर्ण मंदिर के उन स्थानों पर ले चले जहां वास्तव में ये घटनाएं घटी और जिनका ब्यौरा आपको दिया जा रहा है। To put the record straight, I may tell you that on the day